income of Shahnu is 87.5% of the income of Govind and Shahnu together. यहाँ से क्या समझा? चले पहले क्वेश्चन सबको रीड कर लेते हैं. इफ़ द सेविंग ऑफ गोविंद इज 30% ऑफ हिज इनकम एंड इक्वल टू ₹4,500, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ गोविंद एंड शानू. तो देखिए, इनकम ऑफ शानू इज दिस परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ गोविंद एंड शानू. तो 87.5% में है, डेसिमल रिमूव कर देंगे, जीरो. बेसिक तरीके से करेंगे, 5 1 15, 5 से किया कैंसिल, फिर से 5 से किया 35 40, 5 7 5 8. ओके, यहाँ से ये जो आया ये वैल्यू आया. ओके, रेशियो में द इनकम ऑफ शानू इज दिस ऑफ इनकम ऑफ गोविंद. पहले गोविंद का, यानी कि इनकम ऑफ शानू मेरा क्या है, 7 है, और शानू और गोविंद टुगेदर का 8 है. शानू और गोविंद टुगेदर का क्या है, 8 है. ओके, तो एक वेरिएबल लिख लेते हैं, ये टैक्स 7x. ओके, अब क्या बोल रहा है, इफ़ द सेविंग्स ऑफ गोविंद इज 30% ऑफ सेविंग्स, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे. ओके, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है मेरा, 4500. क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैंने लिखा, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, 0. यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 150, और 2 0, 15,000 आ गया डिफरेंस बिटवीन दोनों का. तो दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर शानू का अगर 7x है तो गोविंद का क्या होगा, गोविंद का x होगा. टोटल 8 है ना, दोनों का मिला के 8 है, तो गोविंद का क्या होगा, खाली x होगा. तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, 7x और x में क्या है डिफरेंस, 6x का डिफरेंस. तो सिंपली x का वैल्यू मेरा मिल गया है, 6x, 6 इंटू एक्स मेरा 15,000, 6 5 30, कैरी 3 6 1 6 7 8 9, सो 90,000 इसका आंसर आ जाएगा. ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा.